ताकि मैं आपकी फैमिली और फैमिली की रेपुटेशन पर कीचड़ उछाल सकूं और नाम हंगत का खराब हो। गैरी ने मुझसे शादी के वादे करके मेरा इस्तेमाल भी किया है। अब शायद कोई कहे कि गैरी तो लड़कियों में काफी पॉपुलर है, इसके पीछे सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन गैरी किसी को मुंह नहीं लगाता। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मिस्टर मलिक, आप कुछ बताएंगे? अरे ये कौन है? किसी को भी लेकर आओगी, किसी से कुछ भी बुलवाओगी तो हम मान लेंगे। मैं इन्हें जानता हूं, ये उसी गेस्ट हाउस के मैनेजर हैं जहां मैं सीरत को ढूंढने के लिए गया था। लेकिन उससे पहले कि मैं सीरत को ढूंढ पाऊं, वो वहां से चली गई थी। मैंने इनसे पूछा था कि क्या यहां पर सीरत के साथ कोई और ठहरा था, तब इन्होंने कहा कि नहीं, सीरत अकेली रही थी। इसलिए मुझे लगा कि साहिबा झूठ बोल रही है। और सॉरी सर, लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला था। सच पूछिए तो मुझसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया गया था। गैरी सर ने मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना सीरियस है, वरना मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। सर, हमारे होटल में गैरी सर के नाम से साल में 365 दिन एक रूम बुक रहता है। और उस कमरे का नंबर क्या है सर? रूम नंबर? रूम नंबर 506। यही रूम नंबर चेक करने गए थे ना तुम, है ना? अरे यू अंकल, ऐसे कैसे किसी की बात पे यकीन करें? और रूम बुक करना तो आम बात है ना। गेस्ट हाउस में साल भर के लिए रूम बुक करना तेरे लिए आम बात होगी, लेकिन उसी रूम में मेरी फियांसे को ले जाकर रातें बिताना ये आम बात नहीं है।